जिसका व्यभिचार उसके घर में उसकी दादी के साथ, उसकी सौतेली माँ के साथ, उसकी बहनी भाभी के साथ और उसकी चचेरी बहन के साथ। मैं मानता हूं कि ये एक तरीके से जो इस टाइप की फिल्म बनाने वाले हैं, दे आर वेजिंग ए वॉर ऑन द नेशन। ये देशद्रोही प्रवृत्ति है। जो नुकसान औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उससे भी बड़ा नुकसान ये लोग इस टाइप का परोस के कर रहे हैं। इसकी असर क्या है? अब देखिए, रेप की वारदातें जो बढ़ रही है और ज्यादा घिनौनी होती जा रही है, उसके पीछे भी अब बिल्कुल साबित हो चुका है कि कंटेंट उसका मुख्य कारण है। अभी 10 दिन पहले एक भाई ने अपनी बहन पे बलात्कार किया यूपी में, कासगंज में। जब उसको पकड़ा गया, 19 साल का लड़का था, बहन उसकी निकल से 9-1 साल की होगी, 7 साल की, तो उसने कहा कि मेरे फोन पे ही आया, मैं अब अपने को रोक नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके 4 दिन के बाद ऐसी एक घटना घटी जो इतनी विस्फोटक है कि हम एक ऐसे कल्चरल बॉम्ब पे बैठे हुए हैं कि जो हमें समाप्त कर सकता है। उसका संकेत, एक 10 साल की लड़की और 8 साल के 2 लड़कों ने फोन लेके आए, वो स्कूल के अंदर फोन लेके आए, फोन पे देख रहे थे इसे विपक्ष जो आ रहा था, और उन्होंने 5 साल की लड़की पे बलात्कार किया गोंडा के अंदर। अभी ये बात 4-5-6 दिन पहले की। गए साल एक स्कूल प्रिंसिपल ने डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में, एक साल के दौरान करीबन 6 लड़कियों पे बलात्कार किया, और जब उसको पकड़ा गया, उसने कहा कि मेरे ये फोन पे आता था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमने इतनी सारी स्टडीज इकट्ठा की है, ग्लोबल स्टडीज, लोकल स्टडीज, क्रेडिबल स्टडीज, जो प्रूव कर देती है कि रेप का मेन इंस्टीग्यूटर इज कंटेंट। और सबसे बड़ा इसका प्रूफ है टेट बंडी। अमेरिका में एक बहुत बड़ा सीरियल रेपिस्ट किलर हो गया टेट बंडी। 1989 में उसको मौत की सजा हुई थी। मौत की सजा होने के 2 दिन पहले उसने इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था, विदाउट एक्सेप्शन फॉर द रेपिस्ट द मेन इंस्टीग्यूटर इज फोटोग्राफी एंड सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट, विदाउट एक्सेप्शन। ये शब्द उसने उपयोग किया है। तो जो लोग इस टाइप का मटेरियल परोस रहे हैं, वो एक तरीके से देश की संस्कृति को निपटाने का काम कर रहे हैं और देश को सांस्कृतिक रूप से कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से देखिए, मैं एक नामांकित लेखक रह चुका हूं, श्री नरेंद्र मोदी पे जो मेरी 2 किताबें हैं काफी अच्छी मानी जाती हैं, सावरकर जी के ऊपर जो किताब है वो भी मेरी अच्छी, बहुत अच्छी मानी जाती है। सावरकर, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर था भी 3 महीने तक पहले तक, लेकिन मुझे ये आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे ये लगता है कि मेरा देश एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसमें देखिए लोग सरकार की गलतियां निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबका रोल है। सरकार ने भी अभी एक ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल लाया है, ऐसा नहीं कि सरकार जागरूक नहीं है। आज से 2014 के पहले जो विपक्ष एडवर्टाइजमेंट आती थी टीवी पे, उसमें काफी घटोती हुई है। अगर आप देखोगे सरकार का डायरेक्शन बराबर है, लेकिन मुद्दा यह है कि जैसे 2011 के अंदर एक एंटी करप्शन मूवमेंट के अंदर पब्लिक जुड़ी थी, वैसे इस मूवमेंट के साथ भी हम चाहते हैं कि पब्लिक जुड़े, ये समझ के कि देखिए स्कूल के अंदर हम प्रतिज्ञा करते थे पहले, आज भी जो पुस्तक है उस पर लिखी हुई आती है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन, तो हमें ये संवेदना होना चाहिए कि हमारे भाई और बहन भी लड़े। तो देश और भाई बहन की बात छोड़ दो, आपका खुद का लड़का सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं, ये परिस्थिति। अभी मेरे घर पे एक राज परिवार के एक व्यक्ति आए थे, उनकी रानी के साथ, महाराणी के साथ। मैंने उनसे बात की कि भाई मैंने मूवमेंट लॉन्च किया है,
और आप इसको सपोर्ट करें। तो उन्होंने एक इंसिडेंट मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ, उस स्कूल के अंदर मेरी दोस्त की एक बेटी पढ़ती है, मेरे दोस्त का एक दिन सुबह फोन आया कि मेरी बेटी जब रूम में से बाहर निकलती है बिल्कुल थक गई हो, तो जो मैं इसको पूछती हूँ बेटा तेरे को प्रॉब्लम है, तू बीमार है? तो बोले नहीं मैं ठीक हूँ, पर मैं चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ रानी महारानी साहब? बोले काम करो आप रात को इसको आपने अलग रूम दिया? बोले हाँ। क्या ये रूम बंद करती है रात को? बोले हाँ। बोले काम करो आप रात को इसको एक खिड़की का दरवाजा खुला रखो एक पर्दे का, उसको देखो क्या करती है। तो उन्होंने जब 11:30 के बाद में देखा तो उस बेटी ने सिर पे चादर डाल रखी थी, सब लाइट बंद थी और वो कुछ देख रही थी फोन के ऊपर। सुबह फिर से फोन किया महाराणी साहब ने कि मैंने इतना देखा और रात को ये करीबन 1.5-2 घंटे तक देख रही। तो उन्होंने कहा कि मेरा शक सही है, अब आप इसको बोलो कि रूम खोलो और बताओ कि क्या देख रही हो, आपको ये सही बात नहीं बताई, ये उम्र में छूटी 11 साल की लड़की उम्र में छूटी, इसको आप समझाओ, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो, समझाओ कि बेटा गलती सबसे होती है, तुम्हारी उम्र कम है, गलती हुई थी, तो बता तू क्या कर। उसने 5-1 मिनट उससे थोड़ा करना पड़ा उनको आर्ग्यूमेंट, 5 मिनट के बाद उसे एडमिट कर दिया कि मैं रोज रात को पोर्नोग्राफी और इस टाइप की फिल्में देखती हूँ रात को 12 से 2 बजे और सुबह थक जाती परिस्थिति करती। और इसमें देखिए इसमें रोल पेरेंट्स का भी है, टीचर का भी है और सरकार का भी है, और सबका रोल इसके बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर छोटे बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हो, पेरेंटल कंट्रोल नाम का उसमें एक डिवाइस आता है, उसको आप और ऑन कर दोगे तो वो नहीं देख नहीं पाए। तो सबको इसमें जुड़ने की, इस मूवमेंट में जुड़ने की आवश्यकता है, लेकिन इसका फाइनल उपाय क्या है? हम डिमांड कर रहे हैं लॉ ऑफ एथिक्स कोड, एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो तय करे मर्यादा। हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में ओटीटी हो, सोशल मीडिया हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मर्यादा तय करे सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की, और उसका उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर करता है कुछ तरह का उल्लंघन, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का और देशद्रोह का चार्ज है। और प्रियंबल में वो कानून ये कहेगा कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत को, उससे भी बड़ा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, और उस पर ये धाराएं लगेंगी, और उसके अंदर 10 से 20 साल की सजा होगी, 3 साल के लिए बेल नहीं होगी, 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे 498A के अंदर आरोपी पे होता है, ऐसा आरोपी भी होगा, और जो सामग्री इन्होंने मार्केट में डाली है उसको भी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा टाइम बाउंड लिमिट के अंदर, अगर वो नहीं करते तो भी वो जेल में जाएंगे। कोई कहेगा कि बहुत कठोर कदम है, लेकिन दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसका भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इनसे प्रेरित होके आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम नहीं होगा कि 700 ऐप फूट निकले हैं, 700 ऐप्स हैव एक्सप्लोडेड इन द लास्ट 3 इयर्स, जो दिन रात के फिल्म इस टाइप के फिल्म में दिखा रहे इनसे स्पेस सेक्स की, और अपने इसमें जो सेल्फ रेगुलेशन है ओटीटी के अंदर उसके अंदर हमने कंप्लेंट भी की, इसके अंदर हमने कंप्लेंट की, उसका हम रास्ता देखते हैं क्या वो लोग डिसीजन लेते हैं, हमने एक फिल्म को लेकर कंप्लेंट भी की, लेकिन रोल ये परोसा जा रहा है, सेमी पॉन है, पॉन है, लेकिन समझ में जाता जो ये फैमिली के अंदर के जो रिलेशन जो बिगाड़ने का जो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है वो बड़ी खतरनाक है। आप सोचिए कि एक 17-18 साल का बच्चा अगर सिटी में रहने आता है
एक पेइंग गेस्ट के रूप में घर में रहता है, वहां पे एक लैंड लेडी है जिसको मां या बहन के स्वरूप में देखता है। लेकिन अगर वो इस टाइप के फिल्में देखेगा उसके मन में क्या विचार आएंगे इसकी कल्पना ही आप कर सकते हैं। तो बड़ी स्थिति गंभीर है, हमें इसमें काफी सपोर्ट प्राप्त है, इसमें रामदेव स्वामी का सपोर्ट है हमको, श्री श्री रविशंकर जी का सपोर्ट है, अवधेशानंद जी का सपोर्ट है, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर बड़े बड़े संतों का हमको सपोर्ट है इसके अंदर। हमने सरकार को भी अप्रोच किया है, लॉ ऑफ एथिक्स कोड के लेके हमने जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम जी मेघवाल उनको एक मेमोरेंडम दिया है। हमने हम अनुराग जी ठाकुर को मिले हैं, हम राजनाथ सिंह जी को मिले हैं। तो दूसरा की इसके हमने दो घटक बनाए हैं, दो वर्टिकल बनाए हैं। एक तो लड़ना कानूनी तौर पे, तो वो लॉ के लिए लड़ना हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, केस हो, पुलिस केस हो। और दूसरा हमने वर्टिकल बनाया कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं काम, उनको प्रोत्साहित करें। उसमें हमने सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार ऐसी एक स्कीम निकाली थी लास्ट ईयर, जिसमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और हमने 8 लोगों को 1-1 लाख रुपए प्राइज दिया था कई साल जून के अंदर ग्रेटर नोएडा। उसके बाद में जब मैं हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से मिला, उनको मैंने कहा तो उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। ये भी संकेत देता है कि श्री नरेंद्र मोदी कैसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उदय भाई ये काम हमारा है, आप सिर्फ जुड़ो, हमको डायरेक्शन दो, ये प्राइज मनी हम देंगे। एक कार्यक्रम हमारा अहमदाबाद में हो गया, 8 जनों को हमने अहमदाबाद में सरकार ने 1-1 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा कि ये पूरा अभियान पूरे पूरे राज्य में चलना चाहिए। सेकंड प्रोग्राम हम सूरत में करेंगे, थर्ड प्रोग्राम हम बड़ौदा में करेंगे, राजकोट में करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो इनाम की रकम उसको कम घटा के हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे। तो इतनी कटिबद्धता उन्होंने दिखाई है। फिर हमने उनको दूसरा सजेशन किया, हमने ये कहा कि भाई युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, तो हम एक सांस्कृतिक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा रखें। तो अभी उसका आयोजन पूरा हुआ, एक गुजरात सांस्कृतिक गुजरात स्टेट कल्चरल कल्चर एजुकेशन कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। गुजरात में 600 कॉलेजों ने भाग लिया, NSS का भी उसमें रोल था, गुजरात सरकार और शिव कल्चर से भारत फाउंडेशन ने मिलकर किया था इसको। और इसमें 600 कॉलेज और 5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और जब मैं फाइनल में गया अहमदाबाद में देखने के लिए, जब 33 लोग जो चुने गए, तो मेरे मन में एक आशा की किरण थी। वो जो विद्यार्थी इतने जागरूक थे, ये जो विपक्ष आ रहा है उसके बारे में उनको कुछ मालूम था, इससे क्या देश को खतरा है उसके बारे में उनको मालूम था। तो युवाओं के अंदर भी हमने जाने का प्रयत्न किया है और एक ये राष्ट्रीय अभियान बने ये प्रयत्न किया। तो मेरा मीडिया के लोगों से मेरी गुजारिश है, इसमें आप दोनों हाथों से सपोर्ट करें, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर हम ये जो इसको मैं असुरी ताकत बोलता हूं, ये असुरी ताकत को हमने परास्त नहीं किया तो हम महान देश नहीं बन सकते, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। और अगर हम विश्वगुरु नहीं बनते हैं तो मानव जाति का भी बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखिए अभी परिस्थिति क्या है, यूक्रेन और रशिया के बीच में 2 साल हो गए तो भी युद्ध थम नहीं रहा। हमस और इजराइल के बीच में जो परिस्थिति है, हमस ने जो किया तो जानते हैं, बाद में इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, कम से कम 10,000 बच्चे मर चुके हैं उस बॉम्बिंग के अंदर पैलेस्टाइन के। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि दोनों साइड से बात करे, आवाजें आ रही हैं। ऐसा नहीं कि एक ये युद्ध बंद हो इसकी आवाजें आ रही हैं, लेकिन ऐसी सशक्त आवाज नहीं है। तो भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है, जो जो हमारा मंत्र है, वो ही इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर भारत ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, अगर हम खुद विश्वगुरु ही नहीं बनेंगे। और हमने अभी जो माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, जबरदस्त प्रयास है, देखिए G20 के अंदर उन्होंने अफ्रीकन देशों को जोड़ा, बाकी अफ्रीकन देशों को जो
नॉलेज की पावर को कैसे देखती है, उसको एक एक्सप्लोरेटिव ऑर्गन के रूप में देखती है, कैसे उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, हमने उनको जगा दी। श्रीलंका, श्रीलंका तकलीफ में आया तो क्यों आया, श्रीलंका ने जो लोन ली थी बड़े बड़े देशों से, सो कॉल्ड सुपर पावर से, उसका वो लोन भरपाई नहीं कर पा रहे थे, इतना इंटरेस्ट हाई था, वो भी कारण था उसका। और उसमें भारत ने जो लोन दी श्रीलंका को एक फ्रेंडली टर्म्स में दी, एकदम लो इंटरेस्ट में दी, तो भारत का एक बहुत बड़ा रोल है मानव जाति को बचाने का, मानव जाति को मानव पद पे लाने का। लेकिन भारत ही अगर भारत नहीं रहेगा तो देश की क्या हालत हो। तो इसी के साथ में मेरी कलीग है स्वती गोयल शर्मा, आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड, जो ये ऑडियो विजुअल वर्ल्ड की जो गंदगी है बॉलीवुड सहित, उसको एक्सपोज करने का समय बड़ा काम किया है इन्होंने, और इसका बहुत महत्व है। आप देखिए सनी लियोन पॉर्न एक्ट्रेस थी, ठीक है, बॉलीवुड ने उसको जगह देके लेजिटिमेसी दे दी। अभी 10 दिन पहले एक एड आई है जिसके अंदर जॉनी सिंस नाम का एक बहुत फेमस पॉर्न एक्टर है, वो तो समझो ना कपड़े पहनता ही नहीं, उसको एक एड में लिया है, उसके एड के अंदर क्या नाम एक्टर, रणवीर सिंह उनके साथ में। तो बॉलीवुड जो मेनस्ट्रीम बॉलीवुड है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किस तरीके से, अच्छा आज तक कभी आपने सुना कि बॉलीवुड ने इस गंदगी इंसान ने बोला हो, एक आपको स्टार ने बोला होगा, बाकी कोई नहीं बोला आज तक। ये सब मटेरियल अहमदाबाद और दिल्ली, बंबई और दिल्ली में ही बन रहा है। दिल्ली के अंदर तो जो एप वाले जो है उन्होंने स्टूडियो हायर कर रखे हैं मीरठ में, प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते हैं क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड गुड एक्ट्रेसेस, प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं, उनको ले जाते हैं, शूटिंग करते हैं और ट्विटर पर डालते हैं। ऐसे 700 ऐप में रोज की 30 फिल्में डाली जा रही है, हमारे बच्चे रोज की 30 फिल्में देख रहे हैं। दूसरा कि आप मानोगे कि हमारा बच्चा है स्कूल में भी जाता है, अच्छी तरह पढ़ता भी, मार्क्स भी लाता है, मंदिर में भी जाता है, बड़ों के पांव में पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है कि रात को ये मटेरियल में वो देख रहा है। और आप देखिए जो हम देखते हैं उसका ही अनुकरण करते हैं, ये मानव का नेचर है, एक स्वभाव है, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, ये पूरे खतरे को एक असुरी ताकत के रूप में देखना पड़ेगा, उसको परास्त करना पड़ेगा। इसलिए हमने हमारा जो जो लोगो है वो लोगो हमारा ये है, परशुराम का गंडा सा, और इसके अंदर गीता का श्लोक, हमने हमने ये तय किया है हम लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल संविधान के संविधान में रहेंगे, लेकिन लड़ाई होगी गंडासे वाली, कुवाड़ी वाली लड़ाई होगी, क्योंकि इनको एक तरीके से खून जो है वो शेर मानव खून चाक चुका है, उसको मालूम है कि हम सस्ता परोसेंगे और पैसा कमाएंगे। इसलिए हमें एकजुट होके, पूरे देश को एकजुट होके, तो हमारा जो देह है वो ये है कि ये परवर्टेड कंटेंट मेकर से रिवर्स पिक्चर परोसने वालों के सामने देश एक हो और उनको संवैधानिक वे में उनकी शिक्षा कर, उनका विरोध करे और उनकी शिक्षा। अब मेरी कलीग है सती गोयल शर्मा, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, जिसे मैंने कहा था जिसने इस टाइप की गंदगी को एक्सपोज करने का गए 3 साल में समय बड़ा काम किया है, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगी। हमने इन्होंने एक ओडीटी पेपर भी बनाया है, व्हाइट पेपर है ओडीटी पे, ओडीटी के जो दुष्कर्म है उसके लिए हमारा हेडिंग में इसलिए रखा है हमने ओटीटी और फिल्म दुनिया के दुष्कर्म। तो हमने ये हमारा ये इसमें सोच ये थी कि जो मुंबई है वो ऐसे सामग्री बनाने का गढ़ भी है, तो इनके गढ़ में ही जाके एक तरीके से एक हमला बुला जाए ताकि लोगों को गंभीरता मालूम पड़े। धन्यवाद रमेश जी, और आप सबका जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको जेम्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में बताना चाहूंगी अपनी बात। ये एक मूवमेंट है जिसको 3 साल से हम चला रहे हैं, हमारा पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर है। दरअसल हम बॉलीवुड के ही क्लिप्स निकालकर उसको हम बताते
हैं कि दरअसल वो दिखा क्या रहे हैं, क्योंकि जब पीछे म्यूजिक स्पेशल इफेक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो हम एक तरीके से अपना विवेक खो देते हैं और हम जज नहीं कर पाते कि हमको दिखाया क्या जा रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारी शादियों में, यहाँ पे भी आपके यहाँ जो शादियां होती होंगी, फंक्शन होते होंगे, उससे बॉलीवुड के खूब गाने बजते होंगे, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि इन गानों के अलावा आजकल फंक्शन होते ही नहीं है, त्योहारों पे भी बहुत बजते हैं, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि अगर आप उनपे शब्दों पर ध्यान दें और पीछे से म्यूजिक हटाकर, तो आप शौक रह जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसपे लड़कियों को माल बोला गया है और ये खूब आराम से बजते हैं। बहुत सालों से 90 से कुछ ज्यादा शुरू हो गया था, जैसे कमसिन कली क्या होता है, एडोलेसेंट गर्ल, उसके ऊपर बहुत रोमांटिक गाने बनाए जाते थे। दरअसल वो रोमांस को नहीं बोल सकते हम उसको, वो बिल्कुल विशुद्ध मोलेस्टेशन और यंग एज अंडर एज लड़कियों के का सेक्सुअलाइजेशन करने वाले वो गाने थे। हमने कभी शायद ध्यान भी नहीं दिया उन शब्दों पे। 16 साल की लड़की से धीरे धीरे चलना, 16 साल है खाई क्या चाल है, ये आपने भी सब सुना होगा। अब क्योंकि म्यूजिक पीछे बज जाता था, हम ध्यान नहीं देते थे कि ये है क्या, लेकिन आप सोचिए कि 16 साल की लड़की और उसके आसपास लड़कों पर उसकी क्या मानसिकता पर, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल वो सिर्फ उसे एक सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट के तरीके से ही देखेगा। ये बहुत साल चला है सोसाइटी में और इतना कि ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया। उसके बाद एक पूरा एरा आया आइटम सॉन्ग्स का, आइटम सॉन्ग जिसमें कुछ भी उर्दू कैसे भी शब्द, चाहे कोई अपने आप को कोई मीट का पीस बता रही है, खुद ही को लड़की और गहरी अगर काले सैया कभी कॉल से, कहीं कोई अपने आप को बेसिकली किसी टाइप के बहुत सारे शब्द, आप सबको तो पता ही आइटम सॉन्ग का जो पूरा कल्चर रहा है बॉलीवुड में, ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया। और आज और हम अब उसके खिलाफ एक्चुअली मुझे लगता है कभी कोई सीरियस प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं, क्योंकि शायद कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, और धीरे धीरे ये सब हमारे घरों में बहुत ज्यादा खुल गए। जैसे मैंने कहा, हमारे त्योहारों से लेकर, हमारे फंक्शन से लेकर, हमारी शादियों से, सब जगह ये बजते हैं। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी आपको एक सॉन्ग बजते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच में गाना आपको शायद पता होगा कि हनी सिंह का भी एक बहुत गाना आया था, हालांकि उन्होंने इनकार कराया कि उनका गाना था, पर वो विशुद्ध एकदम बलात्कार को ग्लोरीफाई करने वाला सॉन्ग आया था। अभी एक और कल्चर चल पड़ा है, आपने कुछ हाल ही में फिल्में देखी होंगी, फाइटर भी देखी होगी दीपिका पादुकोण की, या इस तरीके की बहुत ज्यादा मैं कहूंगी रिवीलिंग क्लोथ, इन सब का भी बहुत ज्यादा चलन हो गया है। खैर, मैं मेरा कहने का मतलब है, जब से बॉलीवुड ने हम ये सब क्लिप दिखाकर हमने इनको दिखाया है कि दरअसल इनकी मंशा क्या है, इनका एजेंडा खासतौर से लड़कियों के अगेंस्ट क्या रहता है, इसी का एक एक्सटेंशन है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारा रीसेंट काम। तो हम ये जो पूरी लड़ाई है, दरअसल उदय जी का जो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन। मैं मानती हूँ कि इससे पहले कभी किसी ने ये जो सब्जेक्ट है you know, sexualization of undergirls and promotion of rape and glorification of all these things, इससे पहले कभी सीरियस रूप में हुआ ही नहीं है, तो बड़ा स्वाभाविक था कि जेम्स और बॉलीवुड हम इनके साथ जुड़े हैं इस वाली मुहिम में। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ओटीटी पे पता नहीं आप लोगों को कितना समय मिलता है देखने का, कि आपको पता है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल एक्सेस करके, लेकिन जैसे ऑल्ट बालाजी, और देखिए ऑल्ट बालाजी का नाम ही बालाजी भगवान के ऊपर है, उसमें एक सीरीज है ट्रिपल एक्स, उसी का एक सीन है जिसमें उदय जी ने भी मेंशन किया। सीन कुछ ऐसा है कि एक आदमी जैसे घर में एंटर करता है तो तीन महिलाएं खड़ी हैं उनके सामने, एक उनकी दादी जैसी है, एक उसकी भाभी है, एक सौतेली माँ है, और तीनों मन मन में बिल्कुल एक बहन है, मन मन में वो ये सोच रही है, वो देयर बेसिकली फैंटेसाइजिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द मैन। अच्छा, वो सीन पूरा एक्सप्लिसिटली दिखाया हुआ है सीन के साथ पूरा। और वो क्लिप मैं आपको बता दूं कि एक बार हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्ले करने की भी कोशिश की थी दिल्ली में, और वो हमको शायद 30 सेकंड में ही सबने बंद करवा दी कि ये गंदगी हम नहीं देख सकते। मतलब इतनी गंदी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे हुए लोग जिनको एक पॉइंट के साथ हम बता रहे हैं वो नहीं देख पाए, और ये इजिली अवेलेबल है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज हैं। एक फिल्म आई थी गार्बेज, नेटफ्लिक्स पे काफी साल हो रही थी, उसको ऑफिशियली टॉर्चर पॉर्न के नाम से वो प्रमोट हुई थी। उस फिल्म में क्या कुछ नहीं है कि एक आदमी, एक्चुअली वो आदमी को हिंदुत्व फॉलोअर दिखाया गया है,
और वो एक आदिवासी लड़की को अपने पास किडनैप करके रखता है और उसके साथ हर तरीके का टॉर्चर उसको करता है, ऐसा दिखाया गया है। फिर एक अलग कहानी है जिसमें एक लड़की पॉन्ड क्लिप बनाती है, उसका भी बहुत ग्लोरिफिकेशन है, एक तरीके से बहुत खराब फिल्म है। ओवरऑल आप उसे उसे देख नहीं पाएंगे। तो ये सब क्लिप्स को हमने कंपाइल करके उनको डिटेल करने का काम, कुछ काम हमने इस रिपोर्ट में किया है जो भी आप सबको मिल जाएगी। हम सब कुछ को इसमें नहीं दिखा सके लेकिन काफी सारे क्लिप्स इसमें आपको मिल जाएंगे, उसकी डिटेल मिल जाएंगी। तो हमारा इसमें मिशन ये है कि एक तो उदय जी ने जैसे कहा एथिक्स कोड की जरूरत है, लेकिन हमारा मूवमेंट एक्सपोज करने का मूवमेंट रहा है, अवेयरनेस का मूवमेंट रहा है। और हम बहुत प्रखर रूप से अब ये मांग कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में कि इस गंदगी के अगेंस्ट स्टॉप लगे। इसका पहला तरीका ये होगा कि जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये बॉलीवुड का ही एक्सटेंशन है एक्चुअली, उन सबका समाज में जो आज हम उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, उनको आइकॉन्स माने जाते हैं, उनको सिविलियन अवार्ड तक सरकार से मिल जाते हैं, वो खत्म हो। और एज अ सोसाइटी हम ऐसे किसी भी उनकी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी जो उनकी बढ़ाते हैं उसको हम खत्म करें, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं कि ये हमारे समाज के आइकॉन्स नहीं हो सकते। ये तब होगा जब हम डिसाइड कर लेंगे कि ये कंटेंट समाज के लिए बिल्कुल खराब है। और मैं इसकी बात भी क्यों कर रही हूँ, आप समझिए, जब फिल्मों के ऊपर रेगुलेशन आया तब ऐसा था कि ब्रिटिश काल के टाइम पर बना था, तब एक सिनेमा हॉल जहां पर पिक्चर दिखाई जाती थी वहां पर एक गेटकीपर खड़ा होता था, वो चेक करता था कि आप इस उम्र के हैं, आप इस फिल्म को देखने लायक हैं कि नहीं। आज आप मुझे बताइए कि जो फिल्म मोबाइल पर आ रही है क्या कोई भी गेटकीपर है? क्या आपको पता है कि जो ऐप जिस ऐप में ये सब दिखाया जा रहा है अगर आपका बच्चा उठाएगा तो उससे सिर्फ ये पूछेगा मोबाइल फोन की आर यू अंडर 18, आर यू ओवर 18? आप मुझे बताइए कि कौन बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं मैं 18 से कम का हूं, मोबाइल छोड़ देगा? वो 100% उस पे ये लिखेगा कि हाँ मैं 18 से ऊपर हूं और वो जो मन में आए देखेगा। अभी मोबाइल फोन बच्चों की जरूरत बन गई है, कोरोना काल में खास तौर से ऐसा हुआ है कि मोबाइल फोन अब सब बच्चों की पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया है। हम ये नहीं कर सकते कि मोबाइल फोन बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं देंगे तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं फॉर्म के। तो अब ये मानते हैं कि मोबाइल पर आजकल बच्चे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको ये इम्पोर्टेंट है, आप सुनिएगा, ऑल्ट बालाजी की जिस क्लिप का मैंने अभी जिक्र किया है उस क्लिप के अगेंस्ट हमने कंप्लेन की और क्या दिखा रहे हैं, अब किस तरीके का इंटरेस्ट बिहेवियर समाज में फैला रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उन्होंने हमको इसका एक लंबा चौड़ा उत्तर दिया अपनी लीगल टीम के द्वारा। उस उत्तर में लिखा था कि हम आपको फोर्स तो नहीं कर रहे इसको देखने को, तो आपको आपत्ति क्या है? यानी अगर कोई कंटेंट दिखाया जा रहा है और अगर वो मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो कुछ भी दिखा सकते हैं। इस हिसाब से तो फिर बॉन्ड भी अलाउड है, बॉन्ड भी कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम सबसे पूछते हैं कि आप 18 से कम के हैं क्या? एक उन्होंने ये कहा कि वो पेड ऐप है, यानी आप पैसा देकर उसको देखते हैं, इसलिए जिनकी मर्जी होती है वही उसको देखते हैं। दरअसल ये तीनों पॉइंट्स गलत हैं और इसीलिए ये लड़ाई हम अब सड़कों पर और समाज तक लेकर आए हैं, क्योंकि इनसे शिकायत कर कुछ फायदा नहीं हुआ। ये काफी दुर्लभ संज्ञान के आंसर थे। नंबर वन, कहते हैं फोर्स नहीं करते। फोर्स, पहली बात तो आप टिटिलेट करते हो, ये लिटरली ये जो सारा कंटेंट बनाया जाता है ये इसीलिए बनाया जाता है कि लोग टिटिलेट होके देखेंगे। इसका कहानी से कोई मतलब नहीं होता, इसके बिना आराम से पूरी कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है। जब आप अपने घर में अपने परिवार में किसी को गुस्सा सुनाते हैं तो क्या आपको ये सब बताने की जरूरत होती है? दूसरा, 18 साल, जैसा मैंने कहा कि कोई मोबाइल में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो देख कर कहेगा कि नहीं मैं 18 साल से, वो तो आराम से देखेगा। तीसरा, पेड ऐप, ये भी एक बिल्कुल गलत पॉइंट है, क्योंकि अगर जब हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं किसी मोबाइल प्लान की, उसमें बहुत सारे ओटीटी हमको फ्री मिलते हैं, इसका मतलब ये कि ये सिर्फ पेड ऐप्स नहीं है, ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ परोसी जाती हैं। क्योंकि ये बात सच है कि अगर ये सिर्फ पेड ऐप होती तो इतनी नहीं चलती, दरअसल ये थोपी जा रही है हमको एक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंडर। इसलिए इतना तो समझ में आता है कि ये सारा जो ओटीटी का इस पर गेम चल रहा है इसके खिलाफ अभी कोई रेगुलेशन है नहीं।
गेटकीपर तो है नहीं जो आपका टिकट चेक करके अंदर जाएगा। हालांकि बॉलीवुड के सर्टिफिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम रहा है, जिन फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिला है उन सब में हर तरीके की चीजें दिखाई गई है। और ओटीटी सबसे ज्यादा इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कानून आ भी जाएगा तो वो भी पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल इसमें समाज को ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और इसका पहला जो एक मैनिफेस्टेशन होगा इस प्रोटेस्ट का, वो ये होगा कि इससे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कोई सामान एंडोर्स करते हैं आप उसको ना देखें, और ये जहां जहां इनको कहीं रिकॉग्निशन मिलता है हम उसका विरोध करें कि ये उस लायक लोग हैं नहीं। मतलब मैं एक्चुअली बिल्कुल बहुत हम मानते हैं, पूरा बॉलीवुड का कंटेंट हमने दिखाया है इतने सालों से, ये मानते हैं कि जो इंडस्ट्री प्लेजियरिज्म पर बेस्ड हो, जो इंडस्ट्री टिटिलेशन की वजह से ऑडियंस लाती हो, फॉर एग्जांपल आइटम सॉन्ग क्यों डाले गए थे फिल्मों में, क्यों डाले जाते हैं, वो क्या कोई स्टोरी की मांग होती है? सबको पता है, आप अखबारों में खूब आर्टिकल देख सकते हैं कि किसी लड़की ने कहा कि दरअसल मुझे इसलिए अप्रोच किया गया कि फिल्म चल नहीं रही थी, ठंडे बस्ते में पड़ी थी, तो उसने आइटम सॉन्ग डाल दिया बड़ा टिटिलेटिंग सा और फिर फिल्म रिलीज हो गई। हम सबको पता है ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ टिटिलेट करके ऑडियंस को लाने के लिए बनाया जाता है, उनका कोई कहानी से संबंध नहीं होता। तो ऐसी इंडस्ट्री को ओवरऑल भी इतनी रिस्पेक्ट मिलनी नहीं चाहिए जितना हमारे समाज ने दे रखी है और जितना हमने उन्हें अपने घरों में, अपने फंक्शन में, अपने त्योहार में हमें इंक्लूड किया हुआ है, हमें नहीं करना चाहिए। और ओटीटी के खिलाफ तो ऐसा है कि हमको बहुत प्रखर रूप से इस बात को हर किसी को पहुंचाना पड़ेगा, स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने घर में, क्योंकि हमारे बच्चों तक ये कंटेंट ना पहुंचे इसकी जिम्मेदारी दरअसल अब हमारे समाज की रहेगी और कोई ये ले नहीं सकता। अगर कुछ लॉज आएंगे भी तो वो पर्याप्त नहीं होंगे और इसीलिए हम ये वाला काम करते हैं। मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ। पिछले महीने कोयम्बटूर एक छोटी सी जगह है, वहां पे एक सर्वे हुआ था, उन्होंने पाया कि 70% लड़के 18 से 21 की उम्र तक हर हफ्ते कम से कम 4 घंटे का पोर्न देखते हैं और 31% कॉलेज के स्टूडेंट 17 रेप वीडियोस हर हफ्ते देखते हैं। रेप वीडियो जिसको बहुत सालों से फिल्मों में ऐसे दिखाया गया जैसे कोई स्टोरी की जरूरत थी, दरअसल वो भी टिटिलेशन के लिए ही डाला जाता था। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके लिए पॉइंट के तरीके से देखा जाता है। दीज आर रियल रेप वीडियोस बाय द वे। राजस्थान में एक स्कूल में पिछले कुछ महीनों पहले का केस है, एक स्कूल टीचर ने ऐसे वीडियोस देखने के बाद, ऐसा कंटेंट देखने के बाद 8 माइनर लड़कियों के साथ रेप किया। यूपी में जो केस आया था उसमें 19 साल का लड़का, उसमें रेप ऐसा, मतलब ऐसी कंटेंट अपने फोन पे देखी जो कि इजीली अवेलेबल थी, उसने अपनी बहन के साथ, सगी बहन के साथ बलात्कार किया और फिर उसको मार भी दिया क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं पेरेंट्स को ना बता दे। तो यही सब इश्यूज हैं। और उदय जी ने जो एथिक्स कोड की बात करी है उसको भी काफी समझने की जरूरत है, उस पे डिबेट की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो ये इश्यू है, जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडिया ने आज तक इतने सालों में, मतलब मैं खुद मीडिया से आती हूँ, पर ये इश्यू एक तरीके से हमेशा दरकिनार हुआ है। इसको थोड़ा रिग्रेसिव तरीके से भी देखा जाता था कि हम किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये हम सबको समझने की जरूरत है कि कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है ही नहीं। दरअसल ये क्योंकि एक लूप होल है, टेक्निकल लूप होल है ना, क्योंकि फोन जो होता है, जब हम मोबाइल, एक बार बताइए क्या 18 साल से कम के बच्चे को मोबाइल सिम कार्ड मिलता है? नहीं मिलता। आपको अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब है कि फोन, वैसे मोबाइल सिम कार्ड तो एडल्ट कंप्लायंस होता है, लेकिन मोबाइल फोन तो नहीं होता ना, कोई चाइल्ड के लिए नहीं बनता, वो सबको दिख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अर्जेंट क्वेश्चन है, इस पे तुरंत एज अ सोसाइटी हमको काम करना पड़ेगा। उदय जी की जो बात थी, हम सबको उस पे नोट, एक्स्ट्रा नोट करना चाहिए कि ये देश बिल्कुल इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन क्या कल्चरल पॉपर रह सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर इतने वीक माइंड्स अभी भी हैं, जिनको ज्यादा विवेक नहीं है समझने का कि क्या सही क्या गलत, उसमें ऐसी चीजें परोसे जाएंगी तो देखिए क्या हाल होगा। और हाल दिख भी रहा है, मतलब मुंबई एक बहुत सेफ सिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कि देश के अन्य जगहों पर वहां पर क्या हाल है। आप खुद, आपको पता है कि 6 बजे के बाद यहाँ लड़की नहीं जा सकती बाहर, या फिर आजकल तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है, आपको पता ही होगा, आप खबरें देखते होंगे। तो ये कंटेंट पे तुरंत तुरंत
हमारे समाज को एकजुट होकर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। कहना चाहूंगा लॉ ऑफ एथिक्स को जो मैंने बात की, मुझे लगा कि ये कठोर कानून नहीं, तो मैंने कई संतों से बात की इसकी, कई अच्छे अच्छे लोगों से बात की, सबने कहा कि ये बिल्कुल पर्याप्त है, ये बिल्कुल, देयर इज अ वॉर बीइंग रेज्ड अगेंस्ट द नेशन, उसके सामने देशद्रोही प्रवृत्ति ही इसको जाहिर करना चाहिए एक, और रेप इंड्यूसिंग प्रवृत्ति के रूप में जाहिर करना चाहिए दो। दूसरा आपने कहा कि जब तक ये लॉ नहीं बनता, एनेक्ट नहीं होता, तो एक चीज तो हो सकती है, वो है आईटी एक्ट के अंदर अमेंड करके ये सभी जो मटेरियल है वो एक ग्रुप में कर दिया जाए, और वो ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से की जाए। और मैंने एक आईटी एक्सपर्ट से बात की, उसने मुझे कहा कि ये भी पॉसिबल है कि जैसे उसने एक्सेस किया आदमी ने या बच्चे ने, उसको तुरंत उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने ये वेबसाइट को अभी एक्सेस किया, ये भी एक डर रहेगा, पर ये एक एक टेम्पररी एक सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो वही है जो मैंने कहा, लॉ ऑफ एथिक्स कोड, जिसमें 10 से 20 साल की सजा हो, 3 साल तक बेल न मिले, 4 महीने में समरी ट्रायल हो, और जो सामग्री डाली है बनाने वालों ने और डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों ने, वो उनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो भी वो जेल में जाएंगे, ये इसका उपाय है। दूसरा, कई लोग ऐसा मानते हैं कि कैसे पॉसिबल है, मैं मानता हूं कि अगर आपका लक्ष्य सात्विक है, उसके लिए लड़ने वाले लोग सात्विक है, तो वो लक्ष्य को सफल होना ही है। और दूसरा, अगर गल्फ की कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, साउथ कोरिया, सिंगापुर इसको अगर रोक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रोक सकते। मतलब अपने से किसी को प्रश्न पूछना है तो अवश्य पूछ सकते हैं। Hi, it's not a question, it's an extension to what you said, like somebody who accesses this kind of content, he gets a message indicating you just accessed. It should even go to the parents, it should even go to the HR managers, so that, you know, one is public. It's a good suggestion, actually. Especially the HR, I spoke to a very high level IT expert. He convinced me, I'm not a technical person, that this is possible. The moment you access, you will get a message that you access this website, and you are adding to it. Yeah. That message will go to parents also. I'm already shameless. I'm watching that content. The message will not impact me. If it goes to my HR manager, if it goes to my family, then is that's the time when I'll feel. It's a good suggestion. Yeah. It's a good suggestion. We will certainly consider it, because we are talking to the government also, people who are responsible in the country. And we are very committed in this, you know. One of our colleagues, Sanjeev Nevalji, co-founder of Tales of Hollywood, could not come because he had fever, you know, suddenly last night. So he canceled his flight. But we are totally committed on this issue. The group which I have found, the support I am getting from even people in the government like Bhupendra Bhai Patel, I am so thankful to him. And he is a man of culture. I mean, a person who tell me that this is our job. I think he is a person with a very high character. And I really appreciate him. Same was response of Yogi. When I met Rajnath Singh ji, he also, in fact, Rajnath Singh ji, if you remember, when the bikini element was added to the beauty contest in 2001, 2003. He was the person who banned it. So he was also, you know, everybody, you know, but point is that who will take it? So I took it. You see, I'll tell you one thing before ending.
There's a film called Jismam in 2004. It was a very bad film going by the standards in those days. So I was quite worried about it. What will happen to our society? What will happen to our people? What will happen to our children? I was quite worried, you know. So I tried to take it up since then. But I was not finding a way. Then a person who is a man of wisdom, very close to Shri Ravi Shankar ji, I called him. I said, yeah, I'm fighting for it for the last so many years. There is no response. Then we spoke on this subject for 2 hours. And then we came to the conclusion that we have to link it to rape. If you can prove before people that rape is, this is the main instigator of the rapist, then the response from the people will be good. And that is what exactly happened. Ramdev Swami tweeted last year that विपक्ष परोसो और पैसा कमाओ ये जो लॉबी है इसके सामने देश एक हो और इनको शिक्षा करे श्री माहौलकर जी के अभियान को पूर्ण रूप से सपोर्ट करता he had tweeted last year in fact everybody is in agreement it's only a question of you know putting up in the right way any questions please There's another suggestion. If you want to penetrate more to the schools, there's a NGO called Arpan. I don't know, have you? They do programs in schools for soft touch, good touch, bad touch. So, you know, you can find some synergies. No, we are actually, let me tell you our future plan. Our future plan is to go to every state, find NGO. There are NGOs who are working this. Form a coalition there and take this whole issue forward and make it a public movement. You see, one big loss to the nation is that because of certain ideologies we were following all these years, our immune system has collapsed. So, because I follow Savarkar, I had thought that no, I should do it because Savarkar was perhaps the true nation first. In 1937. When Veer Savarkar was invited by Subhash Chandra Bose, Achyutrao Patwardhan and S.M. Joshi to join Congress, saying that Congress will get a lot of strength if you come, Savarkar refused. Had he joined Congress at that time, he would have become a great leader. But he told these people, the people who were invited him, to look at Congress is indulging in Muslim appeasement at the cost of Hindu rights. Doing this in Bharatvarsh, is betraying the nation. Therefore, I would like to stand in the last row of true patriots, that the first row of those who are betraying the nation in the name of patriotism or nationalism. And that's how he decided to join a small party, lead a small party called Hindu Mahasabha. Just because, not that he was in agreement with every principle of Hindu Mahasabha, but Hindu Mahasabha was the only party which was not betraying the Hindus. So, Dhananjay Kir, the biographer of Savarkar, has called it a Rana Pratap kind of sacrifice. When Rana Pratap was invited by Akbar, that time even his own brother had joined Akbar. All his relatives, all his fellow rulers had joined Akbar. But Rana Pratap chose the patriotic course. He said, let me be alone, but I will not surrender my freedom. So I draw inspiration from that. But unfortunately, this spirit stands very severely damaged or affected because of this certain ideologies which we have followed in the last 70 years. So the response which should come, you know, when you are showing a film of sex between father-in-law and daughter-in-law, I think there should be a natural reaction from the people. That reaction is not coming. But now since we have linked it to rape, we are getting a lot of support and we are going to form coalitions in every state to take this whole thing forward. Thank you. Can I have one thing? Yes. Can you please tell us about I just wanted to say that see, even the courts are in agreement with this. Ek news ka link aap se dikhati hu. Calling a girl item is derogatory.
और ऐसा कहकर मुंबई कोर्ट ने एक आदमी को कन्विक्ट कर दिया फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ गर्ल। सो आप देख रहे हैं अगर कोई भी ऐसा मामला कोर्ट तक पहुंचता है, एक और एक दिल्ली कोर्ट का जजमेंट मतलब जब भी कोई ऐसा मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट हमेशा इन कंटेंट के अगेंस्ट की वर्डिक्ट देता है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे लोग विक्टिम्स भी हैं एक तरीके से, जब वो देख रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, और अगर वो उसी को देखने के लिए कोर्ट तक चले जाते हैं तो वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइटम बोलना सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने किया है, पर जब उस लड़की ने लड़की को ऐसे बोला तो उसको सजा हो गई। इसी तरीके से वल्गर वल्गर लैंग्वेज एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में वो दिखाया गया था, कोई स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहां कोर्ट ने कहा कि नहीं मैं नहीं देख सकते, मतलब जज ने कहा हम नहीं देख सकते, इसको हटाओ और इसको बैन करो दिल्ली से। तो समझते हैं, आई जस्ट वांट टू से कि टिल द टाइम दिस थिंग रीच द कोर्ट तब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इनके इनके प्रो में कभी कोई वर्डिक्ट आता नहीं है। जस्ट लाइक द पब्लिक डजंट टेक देम टू कोर्ट्स और डजंट टेक देम टू स्क्रूटिनी, अगर स्क्रूटिनी में वो जाते हैं तो हमेशा फेल ही होते हैं। आजची ही पत्रकार परिषद का घेतली आणि याच्या मागचं खरं कारण काय? रणनीती सामग्री ओटीटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फिल्म आणि फोटोग्राफी माध्यम येऊन राहिली आहे देशामध्ये, तो देशाचा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे, कारण की आपली युवा पिढी खतम होऊन राहिली सगळं पाहून पाहून। म्हणून सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाउंडेशनने ही नेम घेतली की आम्ही एक नॅशनल मुवमेंट उभं करू याच्या विरुद्ध, आणखीन असे लोक जे येऊन राहिले मार्केटमध्ये ठोकून राहिले त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करायची आणि त्याला शिक्षा करायची, बंधारीय कॉन्स्टिट्युशनल ला फॉलो करतो, हा आमचा मेन नेम आहे। कारण प्रश्न काय आहे समोर की आपण आपल्या समोर एकूण 2047 चा टार्गेट ठेवला आहे की आपण तिथपर्यंत एक महान देश बनतो, कोणाच्या मनामध्ये शंका नाही आहे की आपण 2037 मधील एक महासत्ता बनू आपण, आर्थिक महासत्ता, सैनिकी महासत्ता, आणखीन वैज्ञानिक महासत्ता, पर हम क्या सांस्कृतिक रूप से क्या एक कंगाल देश बनेंगे, हा प्रश्न आहे देशासमोर। भारताच्या विकासासाठी जितकी इकॉनॉमी महत्वाची आहे तितकेच ओटीटी प्लॅटफॉर्म पण महत्वाचे असं वाटतं का? कारण की मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म वरती जास्त झालं, तर ह्याकडे तुम्ही कसे बघता आणि त्याचं संकलन आपला आपला विरोध जे विभस देऊन राहिले त्याच्या समोरच आहे। वी आर नॉट अगेन्स्ट, अवर फाईट इज फॉर हेल्दी कंटेंट अँड फाईट अगेन्स्ट अनहेल्दी कंटेंट, इट इज व्हेरी क्लिअर। पण ओटीटी वरती काय येऊन राहिले तुम्ही पाहा ना, 70-80% हा आज असाच मटेरियल येतो। तुमची सरकारकडे काय मागणी आहे? सरकार समोर आम्ही दोन मागणी आमची आहेत, एक डॉ एथिक्स कोड च गठन करावं, त्याच्यामध्ये तो लॉ एथिक्स कोड कानून कायदा असं सांगणार की जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारांनी नाही केला भारताला त्याच्यापेक्षा जास्त नुकसान तुम्ही लोक करून राहिले तर सगळं हे सगळं देऊ मार्केटमध्ये टाक, म्हणून हे लॉ अर्थिंग स्पोर्टची अमुक सेक्शन बायोलॉट केली, प्रोड्युसर डायरेक्टर ऍक्टर ऍक्ट्रेस फोटोग्राफर स्टोरी रायटर ब्रॉडकास्टर डिस्ट्रीब्युटर, तर त्याच्यावरती केस होणार
20 वर्षी सजा, 4 महिन्यामध्ये समरी ट्रायल, 3 वर्ष पर्यंत बेल नाही, जी सामग्री टाकली आहे त्यांनी मार्केट मध्ये ते पण त्यांनी परत घ्यावा लागतं. तिथपर्यंत हा लॉ ऑफ एचएस कोड तयार होतो, त्याचं घटक होतं, तिथपर्यंत एक स्टॉक एप अरेंजमेंट अशी करावी की आयटी ऍक्ट मध्ये अमेंडमेंट करून हे सगळं घाणेरड मटेरियल एक ग्रुप मध्ये टाकावं आणि त्याची ग्रुपची एक्सेसिबिलिटी ती फिंगरप्रिंट आणखी आधार कोड बरोबर लिंक करायची, ही आमची डिमांड. उद्या संध्याकाळी हा कार्यक्रम सूर्यवंशी क्षत्रिय सभागृहामध्ये दादरला आहे, तर आपल्या सगळ्यांना त्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण आहे. आणि हा दोन वस्तू रिलीज करायची आहे, व्हाईट पेपर हा जेम्स ऑफ बॉलिवूड ने बनवलेला व्हाईट पेपर आहे ग्राफिटी कंटेंट च्या संदर्भात. आणि याच्या बरोबरच काय काम केलं त्याची पण एक रिपोर्ट आहे, खूप मोठं काम केलं 14 महिने झालेला गोपाल म्हणून लॉन्च केलं होतं, ही आमची अॅन्युअल रिपोर्ट आहे सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाउंडेशन. आणि बेसिकली आता जर बघितलं तर हा जो कंटेंट आहे आतापर्यंत हा कंटेंट प्रायव्हेट कंटेंट प्रायव्हेटली चल रहा था, लेकिन अभी उल्लू ऐप ने अभी लास्ट वीक में उन्होंने आईपीओ अपने घोषित करने का ये किया. तो आईपीओ उल्लू ऐप तो आप देखोगे तो कोई भी जो आदमी संस्कृत से जुड़ा हुआ है वो उल्लू ऐप को एक दो मिनट नहीं देख सकता, सब इसी टाइप की फिल्म है. उल्लू ऐप ने तो मतलब वॉर अगेन्स्ट द नेशन एंड इट्स कल्चर फील सो इम्पॉर्टेंट दैट ही वांट्स टू लॉन्च एन आईपीओ. Situation is very serious. I think all of us should wake up. Otherwise, I think we will end up becoming a culturally pauper nation. And we are going through that phase. If you go to garden, if you go to any garden in big city, you see how small children are moving around with their boyfriends and girlfriends. Small children, 15 years, 16 years, school children. Things are friends.